उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद छावरा तहसील है। छावरा तहसील से मैं रिपोर्टर फकीर रूप चंकी पांडे, राष्ट्रीय रिपोर्टर द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखाने का। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद छावरा तहसील है और छावरा तहसील में ये ढाल है जहाँ लॉकडाउन से पहले यहाँ पर शनिवार का बाजार लगता, अक्सर शनिवार का बाजार यहाँ पर लगता था। भीड़ के कारण यहाँ से शनिवार का बाजार लोगों ने, जनता ने कहकर हटवाया गया है। और देखिए मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ तक अंग्रेजी में न्यूज चैनल की टीम पहुँची हुई है और हमारा प्रयास यही बना रहता है कि हम सच दिखाएं देश में जो हो रहा है। लेकिन देश के अंदर जो रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं ना कहीं डर रहे हैं, डर है। और देखिए देश में लोग चुपचाप अत्याचार जुल्म सह रहे हैं, लेकिन सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सच, क्योंकि सच बोलना सबसे बड़ा देशद्रोह है, सच बोलना सबसे बड़ा देशद्रोह है और झूठ बोलना सबसे बड़ी समझदारी। खुद को बचाना है तो झूठ बोलिए और सच बोलना है तो सूरी चढ़ जाइए। सच बोलते हुए लोग डरते हैं, घबराते हैं, हर्राते हैं और कोई भी कैमरे के आगे सामने आने को कोशिश नहीं करता। और द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हमेशा सच दिखाता है, ना बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज पेपर हैं और कोई ऐसी न्यूज नहीं बनाते। ये भाई हैं हमारे, देखिए कुछ नहीं, देखिए भैया हमें अगर हमारे साथ अन्याय हो तो अन्याय का विरोध करना चाहिए, उसको सराहना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और देखिए अगर कोई सच दिखाना चाहे, सच बोलना चाहे तो लोग उसे भीड़ से हटकर पागल समझते हैं, पागल कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, सच दिखाएं। जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सच दिखाता रहूंगा, सच सामने लाता रहूंगा और सच बोलने वालों की कीमत मेरे न्यूज चैनल में है। सच बोलना, सच 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 बोलना, सच हाँ सर, सच बोलना क्या पाप चैनल के आदमी है, सच बोलना क्या पाप है? सच देखिए, सच 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 ऐसा लगता है कि सच सूली चढ़ गया है। सत्य में जीते, सच्चाई की हमेशा जीत है, लेकिन मैं कहता हूँ सच्चाई की हमेशा हार। और जो चोर हैं, बड़े बड़े नेता देखिएगा, बड़े बड़े घबराते हैं, थर्राते हैं और द क्रेजी मैन न्यूज चैनल को प्रश्न करने से घबराते हैं और पहले ही भाग जाते हैं। देखिए जितना बड़ा ईमानदार उतना बड़ा बेकार, और जितना बड़ा चोर उतना बड़ा नेता। आज ये कहानी है। और देखिए सुल्ताना डाकू की रंग, जब नेता आते हैं तो 10-10 गाड़ियां पीछे रहती हैं और अच्छे भले नेताओं को कोई जानता ही नहीं। सर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए नीचे जैसा कि सच सच सूली चढ़ गया है, और देखिए सच सच मैं दिखाता हूँ सर, क्या पास है मेरा, मैं सच दिखा रहा हूँ तो क्या मुझे सूली चढ़ा देना चाहिए? सच मैं दिखा रहा हूँ तो क्या मुझे सूली चढ़ा देना चाहिए? नहीं चढ़ा देना चाहिए। देखिए मेरे समाज में जो भाई हैं मेरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और देखिए सबसे ज्यादा जो आज देश में परेशान हुए हैं वो कुरैशी बिरादरी है, जो कि पूरी तरह से कुरैशी समाज किसी ने लूट गया है और तबाह बर्बाद हो गया है। क्या कहना चाहिए, बर्बाद हो गया है और कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज पेपर उसे दिखाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई साथ नहीं देता है। पत्रकार ढूंढते हैं, मौके ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं करके कुछ नहीं सोचते। देखिए जो सच दिखाता है उसे पागल बताते हैं। आज तक यही सदियों से होता चला रहा है कि इस समाज ने इस जो सच बोला है इस समाज के अंदर उसे पागल हो रहा है। भैया देखिए, भैया है हमारे, देखिए भैया क्या सच दिखाना बुरी बात, सच बोलना क्या पाप है? देखिए हम दिखा रहे हैं आपको लोग से नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। और देखिए हिंदुस्तान आजाद, हिंदुस्तान आज भी आजाद है, लेकिन हिंदुस्तान आजाद, हाँ आजाद देश के गुलाम, आजाद देश के गुलाम, हम गुलामों का देश है, गुलामी हमारे खून में बसी हुई है, मानसिकता हमारी गुलाम है और हम कुछ बोल नहीं सकते, अपने लब खोल नहीं सकते। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल अगर दो साल जिंदा रहा तो सच का दूध का दूध और पानी का पानी द क्रेजी मैन न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। सरकार बड़े बड़े दावे भर रही है, अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, जगह जगह समारोह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का सम्मान करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज में दलित परिवारों तक की बेटियां सुरक्षित नहीं है। और देखिए 1300 लगभग 1400 के करीब यहां हमारी बहन बेटियां बरी चढ़ गई हैं दरिंदों के हाथों। सर कुछ बोलना चाहेंगे न्यूज चैनल के माध्यम से?
सर मैं सच दिखाता हूँ, क्या सच दिखाना पाप? सच दिखाना पाप है? अन्याय का विरोध करना क्या पाप है? अन्याय, देखिए जब तक हम अन्याय कहते रहेंगे ऐसे ही लूटते रहेंगे, और लूटो हमारी औकात ही यही है, क्योंकि ये हमेशा लूटते चले आए हैं। पहले ने गोरों ने हम पर हंटर बनाए, अब काले हमें यूज कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हमें इतना अधिकार है कि हम सिर्फ वोट दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। और इस देश की जनता, हमारे देश की, इस राष्ट्र की जनता कुंभकर्ण है, 5 साल जाती है और 5 साल सो जाती है। वोट देते हैं वो फिर सो जाते हैं और फिर रोते हैं अपनी किस्मत को, और कोई ना कोई हमें लूटता रहता है। ऐसे ही ये समाज लूटता रहेगा, लूटो तुम्हारी औकात ही यही है।